나무. वेलकम गाइज टू अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद थगुआ एंड मेरे साथ है न अदर देन आई एन डी स्लेयर एके कनीश शाह फ्रॉम कलकत्ता. स्लेयर क्या खबर? बस सब बढ़िया था, आप बताओ? एकदम बढ़िया. सो स्लेयर, फ्रॉम सोल स्लेयर टू आई एन डी स्लेयर, फ्रॉम नो लैंड अपियरेंस टू पी एम सी रीजनल फाइनल्स सेमीफाइनल्स, वॉट लाइक वेयर डू यू कम फ्रॉम? आपके बारे में कुछ ऐसी बातें, यू नो, आपकी अर्ली लाइफ, अर्ली करियर एंड वो बातें जो लोग सोल स्लेयर के बारे में जानते हैं बट वो कनीश शाह के बारे में नहीं जानते, कुछ आप हमें बताइए. या सो बेसिकली आई हैव बीन अ गेमर सिंस क्लास 8. मैं डोटा खेलता था. गेमिंग तो बहुत पहले से करते आ रहा बट कभी सोचा नहीं था सीरियसली करूँगा. एंड इन कॉलेज आई एम डूइंग मीडिया स्टडीज. ओके. सो गेमिंग एंड वो बैलेंस करना पड़ता है. सो या अदर देन दैट आई नेवर न्यू कि गेमिंग में आई वुड डू समथिंग. आई यूज टू प्ले फॉर फन बट धीरे धीरे सो अब तो ओके. अच्छा, तो फ्रॉम व्हेन यू मूव्ड इनटू आईएनडी, व्हाट इज योर रोल इन आईएनडी? आप आईएनडी के लिए अभी क्या कर रहे हो? बेसिकली आई एम अ फिल्टर, क्रेटोस आईजीएल करता है. ओके. मैं उसके डिसीजंस फिल्टर करता हूँ एंड आई एम अ सपोर्ट, सो आई कैन प्ले विद एनी काइंड ऑफ गन लाइक स्नाइपर और असॉल्टिंग. सो आई जस्ट डू ऑल ऑफ लाइक लिटिल ऑफ एवरीथिंग एंड आई फिल्टर क्रेटोस. ओके. हाउ इम्पॉर्टेंट हैज बीन दिस स्विच फॉर यू फ्रॉम सोल टू आईएनडी करियर वाइज? करियर वाइज लाइक सोल आई कुड नॉट गेट इन द मेन लाइन अप, तो लाइक आई वॉज ऑन अ पॉज. मैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स रन मिस हुए मेरे. सो दिस वॉज अ रियली गुड चांस बिकॉज दिस पी एम सी ओ इज माई फर्स्ट लाइक इन अ बिग स्कोप है, मेरा फर्स्ट लैंड इवेंट है. सो दिस इज रियली बिग फॉर मी. इट वॉज अ ड्रास्टिक चेंज बट आई मैनेज इट वेल. ओके. सो डू यू थिंक वी कैन एक्सपेक्ट टू सी स्लेयर बैक इन सोल इन फ्यूचर? You never know and you can never say no, but for now my pura focus is lifting that cup because a lot of people have expectations from me and I want to keep it up to them. Okay. Slayer, you are one of the best snipers. Aapka, matlab, I personally believe and obviously kafi log believe karte hain ki you are one of the best snipers. But aapke personal POV se, who are those two snipers jinko aap apne se upar rate karoge? Like for me, always number one will be Daljeet. Okay. No one, none Indian can beat him. I've okay. seen him. मेरे boot camp में भी मैंने उसको देखा है. He is a beast with that sniper. And two pe I would give two positions. Like because experiment के संग मैंने बहुत खेला and experiment की sniping तो सब जानते हैं कैसी है. True. But Snacks is very accurate. Snacks okay. is a OP sniper. Yeah. Okay. Slayer. यू हैव प्लेड विद अ लॉट ऑफ पीपल. आपने इटबिट के लिए भी खेला है, आपने सोल के साथ भी खेला है ना, आपने आई एन डी के साथ भी खेला है. तो यू हैव हैड डिफरेंट आई जी एल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हु इज़ योर फेवरेट आई जी एल जिनके साथ आपने खेला है? लाइक इटबिट में तो आप खुद आई जी एल थे एंड हु हैज बीन अ कम्युनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो फ्रॉम द कम्युनिटी हु इज़ योर फेवरेट आई जी एल? सो टू डिफरेंट मॉडल्स. कौन सा? इट्स अनदर वाइब प्लेइंग विद हिम एंड लाइक मॉडल के संग खेलना एंड the way he just like jo energy aati hai uske sath khelne mein, you feel you can win this thing and uske decision, uske match making, uske the way he approaches towards the game, it's something else. So no doubt mortal. Okay. Slayer, see, I have known you personally bahut zyada. You have played with me, yeah. We were in the same uh-huh. team for a long time, so mere liye main hamesha bolta hu ye baat ki Slayer is one of the best players in Indian PUBG Mobile scene, but you see जैसे कि इतने सारे नामी दामी प्लेयर्स है, स्काउट है, मॉर्टल है, अमंग्स देम दे आर अनसंग हीरोज ऑफ पबजी मोबाइल इंडिया, समवन लाइक यू. सो हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन दिस कंपेटिटिव कम्युनिटी जहाँ पे इतना ऑलरेडी रेस है, दे आर यू नो ईच पर्सन इज सिटिंग विद देयर ओन सेट ऑफ फैन फॉलोइंग. सो हाउ डिफिकल्ट हैज बीन फॉर यू टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज सोल स्लेयर, आई एन डी स्लेयर? आई थिंक यू गॉट अ बिलीव इन योरसेल्फ. आई ऑलवेज न्यू आई हैड दैट गेमर इंस्टिंक्ट and my approach towards the game, my ideas, I believed in them ki nahi like streaming and all to main kar sakta but I am a professional gamer and the way I think the my approach towards the game is really nice. So I was very confident ki I had ups and downs, mein tournaments wagera miss hue, team achhi nahi mili and all, but I managed it because I trusted ki I will land somewhere. Okay. Apart from this layer, agar aaj aap so IND slayer nahi hote, PUBG nahi hota, so what would have Kanish Shah been doing? I would have
सो बेसिकली आई मेरा कॉलेज का थर्ड ईयर है अभी एंड अदर देन दैट आई हेल्प माई डैड विद हिज ऑफिस वर्क एंड ऑल बट आई वुडंट बी गेमिंग देन आई वुड बी प्रॉबली असिस्टिंग डायरेक्टिंग और लाइक आई वुड हैव बीन हेल्पिंग विद कैमराज इन अ ओके फिल्म मीडिया प्रोडक्शन हाउस ओके सो समथिंग मोर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री. इसलिए टॉकिंग अबाउट योर डैड लाइक सिंस यू मेंशन आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा है यू नो व्हाट हाउ डू दे लुक अप टू यू नो नॉट एज लाइक यू एज नॉट कनिष्ठ हाँ बल्कि स्लेयर. हाँ एट फर्स्ट दे वर लाइक व्हाट इज दिस यू कांट प्ले एंड यू कांट लिव योर लाइफ एंड यू कांट लिव अ लिविंग बट देन सो आई स्टोर ये इंसिडेंट मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बताई थी. हाँ व्हाट हैपेंड इज आई वेंट फॉर अ मूवी विद माय डैड ओके एंड हम लोग पॉपकॉर्न ले रहे थे बाहर. तो दो किड्स आए एंड दे वर लाइक कि भैया आप स्लेयर हो ना एंड मेरे डैड मेरे को ओके देख रहे थे एंड आई लाइक हाँ मैं उस स्लेयर हूँ. तो आफ्टर दैट द स्माइल ऑन हिज फेस इट वॉज एवरी थिंग आई कुड हैव आस्क्ड फॉर. एंड उस दिन के बाद से उसके पहले से भी इफ आई पोस्ट ऑन इंस्टा मेरे मॉम और डैड के लाइक ज़रूर होंगे एंड दे हैव ओके सपोर्टेड विद ऑल देयर हार्ट. आई हैव प्रूव्ड इट टू देम. आई गो गिव मी सम टाइम आई विल शो यू एंड दैट हैपेंड. सो या दे ट्रस्ट मी नाउ. ट्रू डैट मतलब एक्सीलेंट. इसलिए वेयर डू यू सी योरसेल्फ 2 इयर्स डाउन द लेन. 2 years is a long time. लॉन्ग टाइम तभी या मैं पूछा. 2 years I will give this another year. ओके I believe I have got this and I think that there's lot to do in PUBG right now. राइट But after 2 years, like if everything is going good, then of course I won't drop it. But ओके if it's not, yeah, I'll join my dad's business. I'll help him out. See, I just believe in life, कुछ अपना होना चाहिए. हाँ ये मैं अपना बोल सकता हूँ. Soul Slayer मैं हूँ. ये ओके मेरी चीज़ है. So I'm happy. ओके दैट्स ग्रेट. असलियर ड्रीम लाइनअप मतलब इन रिस्पेक्ट यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब पीपल आई वुड आपके लिए मैं पूछूंगा 3 पीपल बिकॉज सी यू आर वेरी जॉली पर्सन दैट आई फील. सो 3 पीपल दैट यू हैव एंजॉयड प्लेइंग द मोस्ट विद. इफ यू सी लाइक एंजॉय आई हैव एंजॉयड फॉरगेट एंजॉयड कंपेरेटिव द फर्स्ट ड्रीम हैक लाइनअप यस जो आपको तो पता ही होगा. हाँ मैं रौनक वाइपर ओएस ओके दैट एक्साइटमेंट ऑफ मीटिंग ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हम लोग जितने गेम में इतने टाइम बात किए मिलना उन लोग के संग खेलने का एक्सपीरियंस ही कुछ और था. जब हम लोग चारों वो टेबल पे बैठे हुए थे द बॉन्ड वी हैड वॉज समथिंग एल्स. सो इट वॉज प्लेइंग विद देम वॉज टू मच फन. ओके सो एंड कॉम्पिटिटिव वाइज इफ यू चूज द 3 प्लेयर्स. कॉम्पिटिटिव वाइज इफ आई वुड वॉन्ट टू मेक अ ड्रीम लाइनअप आई वुड वॉन्ट मवी एज माई आई जी एल ओके बिकॉज आई हैव सीन हिज रोटेशन. आई हैव सीन ही इज अ ग्रेट आई जी एल एंड आई वुड लाइक टू सपोर्ट एज एन असॉल्टर. आई वुड वॉन्ट आई वुड टेक स्नैक्स एज एन असॉल्टर एंड फोर्थ प्लेयर एज अ स्नाइपर आई वुड टेक दिलजीत. ओके असलियत आप में मैं एक बहुत यू नो डिफरेंट ट्रेट है. जनरली स्नाइपर्स पीपल हु आर गुड एट स्नाइपिंग दे आर नॉट ग्रेट असॉल्टर्स. बट जैसे कि अभी IND में आई वॉज टॉकिंग टू क्रेटॉस. क्रेटॉस ने कहा था कि यू आर वन ऑफ द मेन असॉल्टर्स. सो यू नो वॉट इज दैट ट्रेट विच यू नो तो जो एक स्नाइपर होते हुए भी यू नो यू कैन असॉल्ट एज वेल. सो वॉट इज दैट समथिंग जो आपके हिसाब से इज डिफरेंट इन यू मे बी इन योर गेम टेक्निक. यू कैन गो टेक्निकल अबाउट इट बट वॉट इज दैट थिंग दैट यू नो समवन हु इज अ स्नाइपर एंड वॉन्ट्स टू गिव अ शॉट एट असॉल्टिंग एज वेल समवन हु शुड डू क्या करना चाहिए उनको. लाइक आई वुड से सी बेसिक स्नाइपिंग इज समथिंग दैट सबको आ जाना चाहिए. राइट असॉल्टिंग इज समथिंग यू शुड नो. स्नाइपिंग इज अ सेकेंडरी थिंग. गन AKM वगैरह ये सब सबको एवरीवन शुड नो. स्नाइपिंग अगर कर लिया कोई नहीं. बट सी लाइक आई हैव बिन प्लेइंग गेम्स शूटिंग गेम्स सिंस अ लॉन्ग टाइम. CS:GO क्राइसिस तो उसमें स्नाइपर से ज़्यादा मैं राइफल्स वगैरह चलाता था. ओके बट सिंस PUBG एंड ऑल आई स्टार्टेड स्नाइपिंग एंड ऑल सो आई वॉज असॉल्टर काइंड ऑफ अ थिंग. स्नाइपिंग वॉज माई सेकेंड हाफ. एंड आई बिलीव यू शुड इफ यू आर अ कॉम्पिटेटिव प्लेयर यू शुड प्ले एवरी गन. यू शुड नो हाउ टू यूज इट. DMRs स्नाइपर्स SMGs जो लैंड में बहुत बहुत काम के बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट शुड है. नो ईच एंड एवरी वन ऑफ इट. सो दैट्स वाई लाइक एंड अभी आई एम द फर्स्ट असॉल्टर ऑफ माई टीम ओके एंड दलजीत बिकॉज सी इन माई टीम आई एम लकी टू हैव टू स्नाइपर्स. राइट दलजीत को देर इज सिंस नो यू नीड. पुट हिम अबव योरसेल्फ तो डेफिनेटली दलजीत इज योर फर्स्ट चॉइस स्नाइपर. नाइस टू डेट. बट स्लेयर व्हाट इज दैट एडवाइस. देखिए आप वो एक शख्स हो जो अपने करियर को लेके भी बहुत आप फोकस्ड हो. सिंस आई हैव टॉक्ड टू यू अलॉट अबाउट इट आप यू नो यू डोंट वॉन्ट टू मैस अप योर करियर एंड यू आर स्टिल एट द टाइम डूइंग ग्रेट इन गेमिंग. सो वॉट इज दैट एडवाइस दैट यू वुड गिव टू योर व्यूअर्स टू योर ऑडियंस टू योर फैंस कि हाउ टू बैलेंस इट आउट एंड यू नो हाउ टू मेक अ करियर आउट ऑफ गेमिंग एट द सेम टाइम. सी गाइस एजुकेशन इज नीडेड. इट्स इम्पॉर्टेंट. यू कांट एस्केप इट. यू कैन नॉट इग्नोर इट. बाकी
never forget to follow your dream. You have to do it. That's one thing, as I said, you can call yours. So just do it. If you believe in yourself, I think you have got this. आपको पता है आप अच्छे हो तो आप कर लोगे. Okay, so Slayer, this was a quick short interview with you and thank you so much for joining. Really appreciate it. Guys, ये तो हमारा episode 1 चर्चा विद थगुआ में जिसमें हमने Slayer को बुलाया था. But next episode में रहेगा Slayer के साथ एक quick rapid fire round, जिसके लिए stay tuned, like the video and subscribe the channel ताकि आप next episode miss ना करो. Thank you guys.